हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर हमें कभी तो ऐसा लगता है हमारी विश हमें मिल चुकी है, और कभी लगता है कि हमसे वापस ले ली जाती है विश, और कभी लगता है पता नहीं ये क्या जंजाल है, कभी हम इसमें फंस जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कभी दुखी से भर जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्यों ईश्वर हमें कभी कभी हमारी विश लगता है हमें दे दी जाती है और कभी कभी लगता है हमारे से वापस ले ली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ईश्वर ना हमसे कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंड बने। तो कभी कभी भगवान हमें विश दे देते हैं, और कभी कभी जब हम अपना सारा ध्यान अपने पर से भूलकर सिर्फ और सिर्फ विश की ओर लगा देते हैं, फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, फिर से हमसे वो जो विश है वो ले ली जाती है। क्योंकि भगवान सोच रहे हैं, यार ये तो इसी चीज़ में लग गया और मैंने तो इसको किसी और कार्य के लिए बनाया हुआ है, तो इसलिए ईश्वर हमसे हमारी विश ले लेते हैं। और जब हम फिर से अपने लक्ष्य की ओर काम करने लग जाते हैं, विश हमारी फिर से हमारे पास आ जाती है। यही होता ना हमारे साथ। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है और सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है। जब आप इस तरीके से रहेंगे ना, कभी भी आपकी विश आपसे दूर नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो आपने अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, अपनी वैल्यू करनी है, अपनी सेल्फ लव करना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। हाँ, लोग आपको भटकाने भी आएंगे, आपको आपके मार्ग से दूर हटाने भी आएंगे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, पर आपने उन सभी समस्याओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन या कठिन या लगा लीजिए नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। नामुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं ईश्वर हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लक्ष्य की ओर से ध्यान अपना हटा देते हैं, तभी ईश्वर जो है हमसे हमारी विश लगता है कभी आ गई और कभी चली गई। जब लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान होता है तो विश हमारी हमारे पास आ जाती है, और जब हमारा ध्यान सिर्फ विश की ओर चला जाता है, लक्ष्य की ओर से हट जाता है, फिर हमारे से वो विश ले ली जाती है। इसलिए आप चाहते हैं आपकी विश आपके पास बनी रहे, तो पूरा ध्यान स्वयं पर लगाएं, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस पर काम करना शुरू कर दें, और आनंद में रहें, खुशी से रहें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल। बाय बाय।